हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आप सभी को वेलकम. और जो जो लोग रह गए हैं उन लोगों को जोड़ लीजिए. आज हम पढ़ेंगे, आज तारीख है 4 दिसंबर और हम पढ़ेंगे 3 दिसंबर की करेंट अफेयर. और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी. ठीक है, पावर पॉइंट स्टडी पढ़ रहे थे. इसमें आप हम डेली करेंट अफेयर जी ए जी के एस मी के एस बात मतलब साथ पढ़ेंगे. धीरे धीरे आगे चल के आप लोगों का सपोर्ट होगा. फिलहाल हैं बेंगलुरु में स्थित, अभी बेंगलोर में स्थित फिनटेक फॉर्म किनारा कंपनी बेंगलोर में, जिसको बेंगलुरु भी कहते हैं. बेंगलुरु में एक कंपनी है जिसका क्या नाम है, किनारा. किनारा कैपिटल, पूरा नाम क्या है इसका, फिनटेक. फिनटेक इसका नाम है, फिनटेक फॉर्म किनारा कैपिटल. तो किनारा कंपनी क्या है कि बेंगलुरु में स्थित फिनटेक फॉर्म किनारा कैपिटल ने एक भारतीय क्रिकेटर को एम्बेसडर बनाया. क्या बनाया, एम्बेसडर. नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बनाया. एम्बेसडर नहीं बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया. ठीक है, और इन खिलाड़ी का क्या नाम है, इनका क्या नाम है, रविंद्र जडेजा. सॉरी फ्रेंड्स, रविंद्र जडेजा. क्या नाम है, रविंद्र जडेजा. अब दिमाग काम नहीं कर रहा, जडेजा. ठीक है, क्या इन खिलाड़ी का क्या नाम है, रविंद्र जडेजा. इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य है वित्तीय पोषण में अपने आप को बढ़ाना. मतलब वित्तीय पोषण मतलब अपने आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना. इसलिए आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए बेंगलुरु में स्थित फिनटेक फॉर्म किनारा कैपिटल ने भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. इनका नाम क्या था, रविंद्र जडेजा, जो कि भारतीय क्रिकेट से संबंधित है. और इन्होंने इस कंपनी ने क्यों बनाया, इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया और अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. इनका इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य आर्थिक प्रोडक्शन को बढ़ाना. और भी तो कोई लक्ष्य होगा. इनका फॉर्म का अब तक का 70,000 कितना, 70,000 से अधिक संपार्श्विक मुक्त ऋण वितरण. मतलब ये ऋण भी देती है, मुक्त ऋण वितरण. मतलब ये कंपनी लोगों को 70,000 से अधिक का पार्श्विक मुक्त ऋण वितरण भी देती है. और कैपिटल के कैप इस किनारा कैपिटल का और क्या है लक्ष्य, योजना. इसकी योजना है कि जो अपना प्रोडक्शन होता है, जिसका इन्होंने रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इनके अपने प्रोडक्शन को 500 गुना तक बढ़ाना. मतलब 2025 तक. कब तक, 2025 तक. क्योंकि अगर इनके ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा रहेंगे तो लोग इनका सामान ज़्यादा परचेज़ करेंगे. इसलिए उन्होंने और ये लोगों को आर्थिक और ये अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूती करेगी. और ये लोगों को 70,000 से पार्श्विक मुक्त ऋण वितरण भी करती है. मुक्त ऋण मतलब आपको 17,000 रुपये लोन देगी और 17,000 ही चुकाना पड़ेगा. ये नहीं है 17 का 1,00,000 चुकाना पड़ेगा. ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट, सी डी के साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन SSEL सी डी के साई इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 4,000 मेगावाट की सौर परियोजना की स्थापना की. कितने मेगावाट की, 4,000 मेगावाट
सौर परियोजना विकसित कर रही है, और ये सौर परियोजना विकसित करने के लिए इन्होंने जर्मनी से इंजीनियर मंगवाए। कितनी? 4000 मेगावाट की सौर परियोजना। कौन सी? सोलर पैनल वाली परियोजना स्थित करना चाहती है, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने कहाँ से मंगवाए इंजीनियर? इंजीनियर कहाँ के हैं? इन्होंने इंडिया के इंजीनियर ना लेके जर्मनी से, कहाँ के? जर्मनी, जर्मन के इंजीनियर सेवा फॉर्म, कहाँ से? सेवा फॉर्म से, जर्मन के इंजीनियर सेवा फॉर्म से मंगवाए इन्होंने कि भाई आप हमारे यहाँ आओगे और हमारे यहाँ काम करोगे। पार्टिश IQ मतलब ये इनका नाम है, इंगम्बा के साथ समझो। इस कंपनी मतलब जर्मन से इंजीनियर बनवा मंगवा रही है, और इस जो इंजीनियर होंगे उसके भी तो कोई कंपनी होगी, ऐसे थोड़ी ना कहीं राह चलते आ जाएगा। इसलिए दे इस कंपनी के जर्मन के इंजीनियर, जर्मन के इंजीनियर सेवा फॉर ब्रिटिश, ये कॉमा है, IQ जंगम्फा से साथ समझौता किया। मतलब CD के साइन के इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड ने 4000 मेगावाट सोलर परियोजना के लिए इन्होंने जर्मन के इंजीनियर सेवा फॉर ब्रिटिश IQ गंवा कंपनी के लोगों को बुलाया, और आदमी से बोला कि आप हमारे यहाँ काम करोगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब किस किस चीज़ का यूज़ होगा इस सोलर पैनल परियोजना में, किस किस चीज़ का यूज़ होगा? पॉली, इसमें पॉली सिलिकॉन, पॉलीसिलिकॉन का उसमें होता है इनगेटर, इसका इन्वेटर बफर, कि भैया 4000 मेगावाट बहुत होती है। सेल और मॉडल, और इस मतलब इन्होंने की पॉलिस, ये लोग इंजीनियर आके क्या करेंगे? पॉलीसेल्स सिलिकॉन इनगेटर वेफर और सेल्स और मॉड्यूल का निर्माण करेंगे, और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए काम इसको इंडिया के कोई ना कोई किसी को, मतलब इंडिया से लोगों को लिया जाएगा इस कंपनी में, और वो लोग यहाँ पे काम करेंगे, वहाँ से लोग इंजीनियर आएंगे, ठीक है, ठीक है। और अभी ये CD साई इलेक्ट्रॉनिक्स अभी क्या करती है? इनकी एक हैदराबाद में एक ब्रांच है, इनकी हैदराबाद में एक CCEL की एक ब्रांच है, जो कि ट्रांसफार्मर का अग्रिम, मतलब ट्रांसफार्मर का अग्रिम निर्माण करता है अभी फिलहाल में, निर्माता है, मतलब सबसे ज़्यादा निर्माण करता है, और जिसके और कौन करता है? CD साई इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब ये सोलर पैनल का मुकर्रा है, जिसके बाद ये अपना मतलब अपनी बिजली को सप्लाई करेगा, लोगों को देगा, और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, जिससे कि सरकार को फ़ायदा होगा और लोगों को फ़ायदा होगा, बिजली सस्ते दामों में मिलेगी, ठीक है। पवन कुमार को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने, मतलब IGL इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पवन कुमार को क्या बनाया? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पवन कुमार को अपना निर्देशक, CEO का पदभार दे दिया, पद ग्रहण किया इन्होंने, किसका? IGL का इन्होंने पद ग्रहण किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? फिलहाल में एक समझौता किया IGL ने, किसके साथ समझौता किया? IGL ने कोई ना कोई कंपनी के साथ, तो इन्होंने गेल लिमिटेड, और इंडिया पेट्रोलियम IO, इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इन्होंने समझौता किया। इसका नाम ये नहीं होगा, भारत कॉरपोरेशन
BPCT सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एल है ये लिमिटेड के साथ उन्होंने दिल्ली में संयुक्त क्षेत्र, दिल्ली के संयुक्त क्षेत्र कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो बैठक की होगी, इन्होंने कहा कि दिल्ली के संयुक्त क्षेत्र या राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्षेत्र बोल लो या दिल्ली का क्षेत्र बोलो, एनसीटी में बैठक करके इन्होंने संयुक्त रूप से उद्योग की वो की समझौते की और सरकार के साथ समझौते किए, मतलब ये मतलब IGL पवन कुमार CEO को पद, इनको CEO का पद ग्रहण के मतलब इनको वहाँ पे मतलब ठीक है कि मतलब अब इनका कोई पद नहीं होगा या फिर पद से जो होंगे उनको इस्तीफा दे दिया होगा, इसलिए पवन कुमार को यहाँ का CEO बना के, इंडियन गैस, इंडियन क्या नाम था इसका, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, वो पवन कुमार को CEO को पद ग्रहण, और इंडियन गैस लिमिटेड ने और गेल लिमिटेड ने भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ दिल्ली के क्षेत्र NCT में बैठक की और समझौते की सरकार, और ये कंपनियां सरकारी हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल में क्या किया गया, एक THDC इंडियन लिमिटेड, के साथ किसी ने समझौता किया, किसने समझौता किया, IRADA ने समझौता किया, और नवी ये THDC इंडियन लिमिटेड IRADA ये इन्होंने समझौता किया, ये भारत की मतलब सौर ऊर्जा परियोजना पर इन्होंने समझौता किया जिसमें नवीनकरणीय स्रोत, जिसमें नवीनकरणीय स्रोत, इसमें नए स्रोतों को खोजा जाएगा और ऊर्जा की दक्षता, ये बहुत मेन पॉइंट है, ऊर्जा की दक्षता मतलब ऊर्जा की दक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, संरक्षण परियोजना, उसमें कौन कौन सी परियोजना, संरक्षण परियोजना मतलब वातावरण को भी बचाना, संरक्षण परियोजना ठीक है, और तकनीकी और वित्तीय रूप से उच्च परिश्रम करेगा, मतलब ये इतनी मतलब एक लीटर पेट्रोल में जैसे गाड़ी चलती है 90-80 किलोमीटर अभी आ गई 90-80, उसी तरह इन लोगों ने किया कि मतलब ये नवीनकरण स्रोत करेंगे, खोजेंगे और ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाएंगे, मतलब एक बूंद पेट्रोल में मतलब कितनी से कितनी दक्षता को ये बना सकते हो, संरक्षण पर मतलब धुआं कम होगा, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ये लोग आपस में समझौता करेंगे, इसके बाद इस चीज़ के खोज करेंगे मतलब कि कहाँ पे किस तरीके से होता है, ठीक है। अभी एरोस्पेस अभी स्पेस एक्स ने अभी सुना होगा, स्पेस एक्स ने चंद्रयान, ठीक है, स्पेस एक्स ने क्या स्टारलिंक इंटरलेट उपग्रह को ले जाने वाले फॉल्ट रॉकेट को लॉन्च, मतलब इन्होंने फॉल्कन 9 ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च किया, मतलब रॉकेट लॉन्च किया, SpaceX ने स्टारलिंकिंग इंटरलेट लॉन्च किया जो कि फाल्कन 9 रॉकेट को ले जा सकता है, ठीक है, ये उपग्रह को ले जाने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया, मतलब ये रॉकेट है जिसको SpaceX ने लॉन्च किया है उपग्रहों को ले जाने के लिए, यह 48 स्टारलिंक उपग्रह, ये उपग्रह को ले जा सकता है, स्टारलिंक के 48 उपग्रह और दो ब्लैक स्काइड सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट,
ये देखो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें 48 लिंक उपग्रह मतलब आपस में जुड़े हुए 48 उपग्रह जा सकते हैं, और दो ब्लैक स्कॉट सैटेलाइट भी ले जा सकता है। इसकी क्षमता बताइए, इसका नाम क्या है, फाल्कन 9 रॉकेट है, इसकी क्षमता ये है। अभी फिलहाल में हिंद महासागर में एक तूफान उठा, ठीक है, हिंद महासागर और अरब महासागर में एक तूफान उठा जिसका नाम है जावा, जो कि 5 दिसंबर को उड़ीसा, जो कि 5 दिसंबर को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकरा सकता है, कितनी तारीख को, 5 दिसंबर को, ठीक है। इसका नाम जावेद किसने रखा, इसका नाम जावेद रखा है अरब देश ने नाम रखा है, अरब देश, जैसे ये हिंद महासागर अरब सागर हुए, इसमें पांच जो भी देश आपस में मिलके होते हैं, हर साल जो भी तूफान रहता है सब लोग अलग अलग देश में हर साल अलग अलग नाम रखा जाता है, मतलब अगर जावेद नाम अरब ने रख दिया तो अगले साल कोई और देश नाम रखेगा, अगर तूफान आएगा तो अगले साल कोई दूसरे देश का वो होगा वो नाम रखेगा, ठीक है। 5 दिसंबर को जावेद नाम रखा है, जावेद का नाम क्या है, जावेद का मतलब भी तो कुछ होगा, ये अरबी भाषा का शब्द है, यह अरबी शब्द है जिसका नाम क्या है, उदार, ठीक है। और ये 5 दिसंबर को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में टकराएगा, समुद्र के किनारे तटीय, और इसकी शुरुआत मतलब सुबह की, इसकी 4 दिसंबर को 2021 को इसकी रफ्तार सुबह की टाइम मॉर्निंग टाइम 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, इसकी हवा की रफ्तार, ठीक है। अभी 5 दिसंबर का इन्होंने वो नहीं किया कि कितनी हो सकती है, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बताया है। चौरानवे बार अभी फिलहाल में मराठाओं ने एक साहित्य सम्मेलन ऑलंपिक, मराठाओं ने साहित्य मराठाओं ने साहित्य सम्मेलन कर रही है 2021, और उन्होंने कब किया था, 3 दिसंबर को किया, मतलब 3 दिसंबर के दिन किया, ठीक है। और ये कौन सा वा सम्मेलन है, ये 94वां सम्मेलन है, किनके द्वारा, मराठाओं साहित्य का, मराठा साहित्य सम्मेलन 2021 3 दिसंबर को, और ये कौन सा 94वां सम्मेलन, इस सम्मेलन में क्या हुआ, इसमें एक पालकी में प्रसिद्ध पुस्तक और उपन्यासों को, मतलब एक पालकी में प्रसिद्ध पुस्तक और उपन्यास को ले जाने के लिए ग्रंथ डांडी, मतलब कौन कौन से ग्रंथ ले जाए गए, डांडी डांडी ग्रंथ और महान मराठी कवि उपन्यास स्वर्गीय वी सिर वाडकर, वी सिर वाडकर के निवास से शुरू का, मतलब मराठा साहित्य सम्मेलन 94वें मराठा साहित्य सम्मेलन 2021 तो 3 दिसंबर को हुआ, जिसमें डांडी महान जिसमें एक पालकी में प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यासों को ले जाने के लिए एक डांडी ग्रंथ, डांडी मतलब ये ग्रंथ ले जाने वाला ग्रंथ, ये ग्रंथ है, ठीक है, जिसका नाम है डांडी। और ये कहाँ से शुरू होगा, ये स्वर्गीय वी सिरवाड़कर के घर से निवास से शुरू होगा ये, मतलब झांकी मतलब ये पालकी उठेगी और फिर ये आएगी, ठीक है, 3 दिसंबर को, राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्वारा पीएम द्वारा, नहीं नहीं पीएम नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट, 3 दिसंबर को प्रेसिडेंट द्वारा रामनाथ गोविंद ने दिव्यांगों के लिए, किसके लिए, दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए इन्हों को पुरस्कार वितरण के, मतलब इनके उत्साह के लिए, किन के लिए, दिव्यांगों के लिए, ठीक है, क्या किए, सशक्ति की दिशा, सशक्तिकरण दिशा, मतलब इन लोगों को ऊर्जा देने के लिए, मतलब ठीक है, मतलब जैसे कहते नहीं है कि लोग जैसे कोई महिला महिला का मतलब कुछ सशक्तिकरण के लिए उनके लिए कोई योजना है, इसी तरह इन्होंने राष्ट्रपति राम गोविंद ने, ठीक है, रामनाथ गोविंद जी ने दिव्यांगों के लिए सशक्ति
सशक्तिकरण के लिए इन लोगों का उत्सव बनाया, उत्सव उत्कृष्ट उपलब्धियाँ दी, मतलब इन लोगों को पुरस्कार बांटे गए, ठीक है, किसके द्वारा, संस्था द्वारा, मतलब जगह 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 इन लोगों को पुरस्कार वितरित किए गए, संस्थानों द्वारा, राज्य द्वारा, जिला द्वारा, मतलब दिव्यांग लोगों को उनकी सर्वश्रेष्ठ राज्य, और सुनो इन लोगों को पुरस्कार बांटे गए किनके द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिव्यांग लोगों को सशक्तिकरण की दिशा दिखाई गई, जिसके उपलक्ष्य में रामनाथ कोविंद जी ने संस्था, राज्य, जिला और छोटे छोटे मतलब कस्बे में जो लोग दिव्यांग लोग उन लोगों के लिए इन्होंने सशक्तिकरण के लिए इन लोगों को उपहार स्वरूप बहुत सारी चीज़ें भेंट की और इनको एक सशक्तिकरण की दिशा में ले जाने के लिए एक भाषण से संबोधित करा। और हाँ, इस सशक्तिकरण में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मतलब सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के सर्वश्रेष्ठ कोई ना कोई तो राज्य होगा, इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु को बताया, सर्वे अनुसार तमिलनाडु को सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया किसको, तमिलनाडु को, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति द्वारा रामनाथ कोविंद को तमिलनाडु को सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य बताया, ठीक है। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति, इंडिया के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इंडिया के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 137वीं जयंती के रूप में मनाया, 137वीं जयंती के रूप में मनाया, किसको, 3 दिसंबर को, इंडिया के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती के रूप में मनाया, किसको, 3 दिसंबर को बनाया गया। इन्होंने 1950 से 1962 तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति के पद पर बने रहने वाले व्यक्ति बने और ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, कौन थे, राष्ट्रपति, ये पहले राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे जब संविधान निर्माण हुआ था उसके बाद। भारत ने डायनेमिक्स और डायनेमिक्स रुकने डायमिनिक्स और BDL भारतीय सेना ने भारत ने डायनेमिक्स और BDL ठीक है ने भारतीय की सेना भारत की सेना ने पूरी बात सुनना, भारत की सेना क्या किया, IGLA-1M मिसाइल, मतलब भारत ने डायनामोक्स BDL से भारतीय सेना ने IGCA-1M मिसाइल की मांग की, और इस नवीनकरणीय मिसाइल, मतलब ये नई मिसाइल है, इस नवीनकरणीय मिसाइल के लिए भारत सरकार द्वारा या भारत सेना द्वारा 441.41 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई, अनुमत हुआ कि भैया हम आपको ये मिसाइल लेंगे, ये आप हमें इतने पैसे दिए, हम इस आप मिसाइल को बना के आपके यहाँ देंगे, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको मैंने पहले बताया, जिसका नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म में ADB, भारत सरकार को लगभग 3,752 करोड़ रुपए का वित्तीय पोषण की मंजूरी दी, कितनी, भारत सरकार को, मतलब भारत ने यहाँ से एक तरीके से लोन लिया, कितना, 3,700
52 करोड़ रुपये का वित्तीय पोषण, मतलब वित्तीय की रूप वित्तीय मतलब इस बैंक ने इस अपन लोगों को कर्ज दिया, भारत को कर्ज दिया, कितना दिया, 3,752 करोड़ रुपए का वित्तीय पोषण की मंजूरी दे दी कि मतलब अब ये बैंक आपको 3,752 करोड़ रुपए दे देगा, ठीक है, मतलब चेक टाइप दे दिया इन्होंने, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी ऑफ यूनिटी द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट लिमिटेड, मतलब विश्व में सबसे महंगी मतलब रहने के लायक कौन कौन सी सूची है, सीधी सीधी बात, रहने रहने के लिए किसने, EIU, इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन इंटोलीजेशन ने यूनिटी ने रहने लायक क्षेत्रों में इजराइल इजराइल का इजराइल की राजधानी तेल आवी इजराइल की राजधानी तेल आवी ने पेरिस, यहाँ लिख ले रहा है, ने पेरिस, इजराइल की राजधानी तेल ने पेरिस और सिंगापुर को पीछे छोड़कर, सिंगापुर को पीछे छोड़कर अपनी सूची में छलांग मार दी, मतलब इजराइल की राजधानी तेलु अबी ने पेरिस और सिंगापुर को छोड़कर सबसे नंबर वन पे पहुंच गए, किसकी राजधानी ये पहुंच गई, रहने लायक के क्षेत्र में नंबर वन पर, ये 2 और ये 3 पर, ठीक है। और सूची में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से मतलब इन दोनों को हटा ही दिया गया, किसको हटा दिया गया, पेरिस और सिंगापुर को हटाकर तेल अबी अब पहले नंबर पर आ गई है, और दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रहा, दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हांगकांग 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 और न्यूयॉर्क, नहीं नहीं हांगकांग रहा, दूसरे रूप से झारखंड और हांगकांग हांग कॉन्ग ये दूसरे स्थान और छठवें स्थान पर भी तो कोई होगा, छठवें स्थान पर रहा जिसका क्या नाम था, न्यूयॉर्क का ओसिका न्यूयॉर्क, ठीक है, सीधे सीधे ये रखो, छठवें स्थान पर ये रहा, दूसरे स्थान ये रहा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर मिजोराखान और हांगकांग रहा, और छठवें स्थान पर न्यूयॉर्क रहा। तीन दिसंबर को एक डे मनाएगा, एक इंटरनेशनल डे मनाएगा, क्या मनाएगा, इंटर नेशनल डे ऑफ डे नेशनल पीपल ऑफ डिसेबल, पीपल की स्पेलिंग गलत हो गई, पीपल विथ डिसेबिलिटी मतलब जिन लोगों को दिखाई नहीं था उनके लिए बनाया गया, ठीक है, कौन सा ना, इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल ऑफ डिसेबिलिटी मतलब अंधे लोगों के लिए, जो अंधे आंशिक रूप से अंधे होते उन लोगों के लिए, आंशिक रूप से क्या पूरी तरह से अंधे होते उन लोगों के लिए ये मनाया गया। इसका विषय वस्तु क्या थी, इसके विषय वस्तु क्या थे, मतलब इसका विषय क्या था, इसका नाम होता है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता, कितनी तारीख को बनाया गया, 3 दिसंबर को इसको बनाया गया, लीडर सिप एंड पार्टीशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी
टू वर्ड टू वर्ड एंड इंक्लूसिव इंक्लूसिव एक्स सेविल्स, ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। एंड सस्टेनेबल सस्टेनेबल पोस्ट, ओ भगवान क्या नाम है, पोस्ट ऑफ कोविड, मतलब जो बड़ा सा नाम लगे पेपर में वही है, COVID-19 वर्ल्ड। ये इसका बसा वस्तु, मतलब वस्तु विषय था, लीडरशिप एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पार्टिसन विद द डिसेबिलिटीज टू वर्ड एंड द इंसुलेट एक्सरेट एंड द सस्टेनेबिलिटी पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड, ठीक है। संसद ने बाढ़ को बाढ़ से निपटारा के लिए, मतलब हर साल बिहार वगैरह में बाढ़ आ जाती है, इसको निपटने के लिए संसद ने 2019 में एक बिल लाई थी, एक विधेयक लाई थी, ठीक है। 2019 में एक विधेयक लाई थी, बांध सुरक्षा विधेयक। कौन सा विधेयक था इसका नाम? इसका नाम था बांध सुरक्षा विधेयक, ठीक है। इस विधेयक को अभी फिलहाल में पारित कर दिया, कितनी, 2 दिसंबर को। इसको लाया कब थे? 2019 में। इसको पारित कब किया? 2 दिसंबर 2021 को इसको पारित कर दिया गया, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट और है, दक्षिणी सूडान ने 2030 तक बाल विवाह को ख़त्म करने का फैसला लिया, बाल विवाह को ख़त्म करने का फैसला लिया। किसने? दक्षिण सूडान ने 2030 तक अपनी तरह पूरी तरह से बाल विवाह को ख़त्म कर देगा।